बात सही हुई तो निशिकांत ने मोक्ष को कुछ कर दिया तो ये कमली माँ मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो गई? हे माँ मोक्ष की रक्षा करना, उसकी रक्षा करना माँ। ये अचानक से भूकंप कहां से आ गया? काली शक्ति प्रकट तो नहीं हो गई? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड समाचार में। बात कर लेते हैं आज हम सुहागन चुड़ैल के बारे में। काफी दिनों बाद आज हम बात कर रहे हैं वैसे तो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दे देती हूँ इस शो के बारे में। शो में अब ये हो गया है कि जो मोक्ष है उनके अंदर आत्मा है शांतनु की, और जो शांतनु है वो है निशिगंधा के प्रेमी, उनके जब वो इंसान थी, और जो दिया है उनके बीच में अगर हम देखें, दिया जो है वो विलन रही थी, उनका नाम मुझे याद नहीं है कि उस जन्म में क्या था, लेकिन हाँ निशिगंधा और शांतनु की लव स्टोरी की विलन अगर कोई थी उस जन्म में तो वो थी दिया। और अब इस जन्म में जो दिया और मोक्ष की लव स्टोरी की विलन है वो है निशिगंधा। तो बात कर लेते हैं क्लिप के बारे में। क्लिप में जो दिया है काफी ज्यादा नर्वस और काफी ज्यादा टेंशन में नजर आती है। टेंशन भी इसलिए नजर आती है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो मोक्ष है उनको ये पता चल चुका है कि मैं ही शांतनु हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेट करते हैं दिया से, हेट नहीं करते वो दिया से और ना ही निशिगंधा से, लेकिन अगर हम देखें तो उन्हें ये पता चल गया है कि मैं ही शांतनु था और निशिगंधा और उनकी लव स्टोरी उन्हें याद आ जाती है। और जो निशिगंधा है वो शांतनु को इतना ज्यादा मानती थी और अभी तक वो अपना दुश्मन मानती थी शांतनु को, लेकिन वो शांतनु को आफ्टरऑल बहुत ज्यादा मानती थी। इसीलिए जो निशिगंधा है वो ये चाहती है जो मोक्ष है वो उनको, वो उनकी डेथ हो जाएगी तो वो भी उनकी ही, मतलब अगर हम देखें तो उनकी भी कोई आत्मा होगी तो वो भी चुड़ैल बुड़ैल बन जाए, लेकिन अब इसका मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन ये तो कंफर्म हो गया है कि जो निशिगंधा है वो ये चाहती है कि जो मोक्ष है उनके फॉर्म में आ जाए, मीन्स आत्मा उनकी आ जाए, वो दिया के साथ उन्हें नहीं देख सकती है। और जो दिया है वो ये चाहती है कि जो मोक्ष है वो चले जाए निशिगंधा के साथ, लेकिन जो दिया है वो काफी ज्यादा परेशान नजर आती है और वो ये बोलती है अगर, मीन्स मोक्ष की माँ यानी कि जो उनको वो मासा बोलती है, वो बोलती है अगर मासा की बात सच हुई तो मोक्ष सच में बहुत खतरे में। और फिर अपनी कन्नी माँ को याद करती है, और इतने में क्या होता है कि जो मोक्ष है और निशिगंधा है ये साथ होते हैं, और जो निशिगंधा है वो उन्हें आग में पैर रखने के लिए मजबूर कर देती है। शायद पहले की तरह उन्होंने कोई हेप्नोटाइज किया होगा, जो आपको पता है वशीकरण। इसके बाद अब क्या होता है कि जो घर में कन्नी माँ के पास दिया होता है ये सारी चीज़ें बुझ जाती है। दिया अपनी माँ से इस चीज़ का सॉल्यूशन पूछती हैं कि क्या करूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। लेकिन अभी एंट्री किसकी होने वाली है? महासुर की, सबसे बड़ी काली शक्ति महासुर की। तो क्या होता है कि जो पूरी पृथ्वी है वो पूरी तरीके से डगमगाने लगती है इस क्लिप में, और इतने में एंट्री हो जाती है महासुर की, और जो उनकी मूर्ति है वो पूरी तरीके से खंडित हो जाती है। और महासुर की एंट्री हो जाती है, निशिगंधा काफ़ी नर्वस हो जाती है, दिया बोलती है अब पता नहीं कौन सी बड़ी शक्ति का आगाज होने वाला है। तो क्लिप में इतना ही था, और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन अपडेट के लिए बने रही है बॉलीवुड समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।